अभी हम आईटीआई डोडा में हैं और जिस तरह सबको बताऊं कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आज यहां पे हो रहा था मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आरटीओ डोडा, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे, किस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं आज यहां पे आप बच्चों को? थैंक यू। आज का हमारा ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम था आईटीआई डोडा में, जिसमें हमने यूथ जो है, हमारी नौजवान जो है, सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हमने देखे गए हैं, जिसमें 65% उन लोगों की डेथ हो रही जिनकी एज 16 से 45 के बीच है, और इसलिए हमने यूथ को अवेयर करने का एक हमने आज का प्रोग्राम था। ज़्यादा से ज़्यादा हम नौजवान जो भी लोग हैं आने वाले टाइम में जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, जोश होता है, और सबसे ज़्यादा वायलेटर भी यूथ ही रहते हैं। इसलिए यूथ को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छे सिटीजन और एक रोड सेफ्टी टॉर्च बेयरर बन सके, और यही आज का प्रोग्राम था। जहाँ सर के अलग अलग जगहों पे भी जाके, जैसे भद्रवा है या हमारे जो हाईवे है, इस तरह के कैंप्स वहाँ पे भी लगाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भद्रवा में कैंप रहते हैं, और जब हमारी रोड गाड़ियों की फिटनेस होती है, वहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल हमारे ड्राइवर आते हैं, उनको भी वीकली तौर पर हम उनको अवेयर करते हैं, सैनिटाइज किया जाता है, और जैसे ही हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, और खासकर हम नौजवान यूथ है, उनको रोड सेफ्टी की अवेयरनेस के बारे में जानकारी देंगे, अवेयर करेंगे, ताकि आने वाले हमारे यूथ जो है वो एक सेफ ड्राइवर, एक सेफ रोड यूजर तैयार हो सके। सर स्टंट बाजी हम अभी भी देख रहे हैं डोडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उस पर किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं आप, उस पर किस तरह से कार्रवाई आप कर रहे हैं? जैसे आपने देखा कि लास्ट वीक में ही हमने एक ड्राइव चलाई, जिसमें 8-10 बाइक्स हमने सीज किए थे, ऐसे ही डिफरेंट हम ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस भी साथ साथ में चल रही है और इन्फोर्समेंट भी साथ साथ में चल रही है, जिसमें हर महीने हम 500 के करीब, 300 के करीब चलान भी करते हैं, और 5 लाख 6 लाख के करीब उनको फाइन पेनल्टी पर मंथ हो रही है, और उसके साथ साथ हमारा ये काम है कि हम इनको अवेयर भी करें और इन्फोर्समेंट भी साथ साथ चले। जो हमारी अलग अलग रोड्स हैं, डोडा भरत रोड है, डोडा घाट है या डोडा भागवा रोड है, हम दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग देखने को मिलती है, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं आप? हाँ, आपको बताऊं कि हमारा डिफरेंट रूट्स के ऊपर ड्राइव रहती है, और जब हम जाते हैं रोड के ऊपर, बहुत 2-2 किलोमीटर पीछे से लोग गाड़ियों से उतर के पैदल आ रहे होते हैं, और ये एक्सेप्ट करके राजी नहीं होते हैं कि हम इसी गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे, और उसके बावजूद हम हमारी चलाने की जारी रहती है, और हमारी साथ साथ दूसरी जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है, ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो भी इसमें अपना काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की कंप्लेंट्स आपके पास रखना चाहते हैं, उनको क्या कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे अपना, और यहाँ आपको जो कंट्रोल रूम नंबर है वो आप देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सभी को अपना पर्सनल सेल फोन नंबर दिया हुआ है, 9419155505। जहाँ भी कोई कंप्लेंट है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑफिस का नंबर है 233-289, जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर वो कॉल कर सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई भी इशू है। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेके किस तरह से अवेयरनेस देंगे फिर से आप लोगों को? हाल ही में आपने अवेयरनेस पहले भी लोगों को दी थी, अभी कितना परसेंट हम ये माने कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लग चुकी हैं? हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के ऊपर हमारा 22,000 समथिंग हमारी जो व्हीकल रजिस्टर है टोटल, जिसमें से हमें 2200 के करीब जो गाड़ियों की जिसकी नंबर प्लेट अभी पेंडिंग है, और हमारी डेली रूटीन में इसके ऊपर डिफरेंट रूट्स के ऊपर डिफरेंट टाउन्स में ड्राइव चल रही है, और बहुत सारे चलान भी किए जा रहे हैं और फाइन भी किया जा रहा है, और सभी से आपके माध्यम से सभी व्हीकल ओनर से मेरी यही अपील है कि इमीडिएटली जिस गाड़ी को भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, इमीडिएटली आके, कई बहुत सारी गाड़ियों के हमारे ऑफिस में नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं और लोग फिट करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, और कई लोगों ने जिन्होंने बुक नहीं किया वो इमीजिएटली आके बुक करवाएं, और 10 दिन के अंदर जो नंबर प्लेटें अपनी गाड़ियों में लगाएं, उसके बाद गाड़ियां इनकी डिटेन होना शुरू हो जाएंगी, सीज होना शुरू हो जाएंगी, और जिस गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगी उसको एक सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। सर बहुत हम देख रहे हैं शहर के अंदर नंबर प्लेट के बिना भी गाड़ियां हैं कुछ, उन पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि हम डेली, आज भी हमारा टाउन में अभी ड्राइव चलेगी, और डेली हमारी ड्राइव किसी न किसी एरिया में चल रही है, क्योंकि जितनी मैन पावर हमारे पास उस ढंग से हम हर दिन चेकिंग कर रहे हैं, और गाड़ियों को चलान भी कर रहे हैं, सीज भी कर रहे हैं, और हमारी खासकर फोकस है इस वक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के ऊपर, और मैं सभी से यही अपील करूँगा जल्दी से जल्दी आके इस अपनी अपनी गाड़ी में। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, माइनर बच्चे हम शहर के अंदर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, उन पे किस तरह से कार्रवाई आप करेंगे और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो लाइसेंस होल्डर है या बगैर लाइसेंस के, या कोई अंडर एज है,
सबसे पहले मैं उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियन को अपील करूंगा इमीडिएटली उस बच्चे को कोई भी गाड़ी चलाने को ना दे जो अंडरेज है, जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और हमने पहले भी ऐसे लोगों को बहुत पेनलाइज किया है, चलान किए हैं, सीज की गाड़ियां, और आगे भी हमारी मुहिम जो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने RTO डोडा हमसे बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि RTI डोडा में किस तरह से हमने बच्चों को अवेयरनेस दी और खास करके जो माइनर बच्चे हैं उन पे आने वाले टाइम में किस तरह से कार्रवाई उनको होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है उनको जल्द से जल्द लगानी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान इज़ वसीम गत्तू डोडा। टोटल 65% लोग वो हैं जिनकी उम्र 16 से 45 के बीच है, फैमिली के ब्रेड अर्नर, जो सर्विस के लिए जा रहा है, कोई नौजवान कॉलेज जा रहा है, कोई नया नया जॉब ढूंढने जा रहा है, जस्ट स्टूडेंट्स पढ़ते जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, 100 की पर्ची एडमिशन की 50 रुपए जो खर्च करेंगे उसमें सेफ्टी के लिए 5 लाख है, बाइक में सेफ्टी 50,000 का 1,00,000 रुपए का नुकसान कर देंगे। लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी सीखने के लिए अच्छे ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहाँ गाड़ी उनकी होती है, क्लच प्लेट्स उनकी होती है, फ्यूल उनका होता है। आपने सिर्फ 5,000, 6,000, 10,000 क्यों में खर्च करना पड़े, वो आपने फीस दे के 1-2 महीने का कोर्स करना चाहिए जिसमें आपको गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए, टायर पंचर हो या क्या करना है, और कितने चीजें हैं गाड़ी में मॉर्निंग में जब गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चेक करनी है, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी है उसकी RC होनी चाहिए। अभी हम मार्केट में जाते हैं आप देखते हो ना उस पार, इसलिए आपने सबसे पहले एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक सेफ रोड यूजर बनने के लिए आपको ट्रैफिक रूल जितने भी हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी आपने ब्रेक कैसे लगानी, सिर्फ आपको गाड़ी चलाना आनी चाहिए और ये सारी चीजें आजकल सारा आपके मोबाइल